ज्यादा से ज्यादा 1000-1500 खाने पीने का लग जाता है, ग्रोसरी का लग जाता है। आपने फैमिली नहीं बताई अपनी? मैं नॉर्मल रखना चाहती हूं, बट मैं बता सकती हूं, हां साथ है, मुंबई से लोग हैं, दिल्ली से लोग हैं, अलग अलग स्टेट से लोग हैं, हमें बिल्कुल फील नहीं होता, बिल्कुल भी फील नहीं होता कि हम अलग कंट्री में और अलग रिलीजन के लोग हैं। तो सारों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम रोजे भी रखते हैं, अच्छा, हम इफ्तार भी करते हैं, हम ईद भी मनाते हैं, हम दिवाली भी मनाते हैं, यहाँ पे सब लोग करते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, पर हम एक साथ मनाते हैं। और हर जगह लेडीज की रिस्पेक्ट होती है, केयर होती है, जैसे कहीं भी चले जाओ, कहीं मॉल चले जाओ, कहीं क्यू हो गई, लेडीज को बहुत सेफ्टी है, फर्स्ट प्रेफरेंस है लेडीज। अच्छा, आप उनके वेबसाइट पे जाइए, एक पर्टिकुलर स्कूल जो आप सोच रहे हो वो उसके। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना समरकंद हूं। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक अलग वीडियो लेके आया हूं, और बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है ये। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एजुकेशन सिटी है, और हम जाएंगे यहां पे, मेरी एक फ्रेंड है ज्योति करके, तो वो यहां पे टीचर हैं और उनसे मिलेंगे, उन्होंने यहां पे बुलाया मिलने के लिए। तो चलिए आप लोग को एजुकेशन सिटी भी दिखाते हैं और अंदर चलते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो भाइयों, इस समय हम आ चुके हैं एजुकेशन सिटी में, और ज्योति मैम का वेट कर रहे हैं कि ज्योति मैम इधर से आएंगे, हमने कॉल कर दिया, अगर वो आती हैं सामने से तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और ये देखिए, यहाँ से सब अंदर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, वो खड़ी हुई है, वेट कर रही है। तो अभी मैंने उनको बुलाया है, वो यहाँ पे आएंगी, तो उनसे मिलेंगे और उनसे चल के कहीं पे बैठ के बात करेंगे पार्किंग लगा के, क्योंकि अभी हमने कार यहीं पे लगा दी है, पार्किंग थी नहीं। ये देखिए मैडम जी आ रही हैं, और ये टीचर हैं, और ये यहाँ पे आई थी, उन्होंने कहा था हम यहाँ मिल सकते हैं। हेलो, हाय, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसे हो? ठीक है, ज्योति मैम है ये, तो हम इनसे बात करेंगे, तो हम चलते हैं कहीं, बैठते हैं कहीं पे जगह पे, चल के अच्छी जगह पे बैठ के फिर आप लोग से बात करते हैं और बताते हैं। तो समर जी, आपने आपके YouTube चैनल को बताया कि आप एजुकेशन सिटी आए हो? जी जी, हमने बताया कि हम एजुकेशन सिटी आए हैं, जहाँ पे आप हमें मिलेंगी जी, और अब आप अभी यहीं पे जी, तो आपने बुलाया था, तो चल के चलिए फिर हम कहीं बैठ के बात करते हैं। यहाँ बात करना सही रहेगा कि अलग चलते हैं? कहीं भी, कहीं बात करते हैं, जहाँ बैठना। हाँ, तो ये पीछे हमारी लाइब्रेरी है, आप देख सकते हो, और बहुत प्यारी है, तो जो भी विजिट करेगा तो प्लीज़ यहाँ पे आइए। अच्छा, जिसे रीडिंग का शौक है ज़्यादा। अच्छा, और ये बता दें, दोहा कतर की सबसे बड़ी है शायद, यही एक है ना सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जहाँ पे बड़ी दूर दूर के लोग भी आते हैं, यहाँ पे जो फॉरेनर है वो यहाँ पे विजिट जरूर करते हैं। तो चलिए हम लोग कहीं चल के बैठते हैं। तो ये देखिए बाहर से कुछ इस तरह का व्यू है। तो दोस्तों, ज्योति जी आ चुकी हैं और कार के अंदर है, हम लोग कोई साइलेंट की जगह देखते हैं जहाँ पे हम लोग अच्छे से बात कर सकें, और ये आप लोग को बताएंगी कतर में जिसको भी टीचर के जॉब पे आना है और इनका क्या एक्सपीरियंस है जब से ये आई हैं। और हम इनको 2-3 साल से जानते हैं, टिकटॉक पे रहती हैं, तो उससे ही हमारी इनकी दोस्ती हुई थी। तो बस मैंने सोचा आज क्यों ना चल के इनसे बात करें। तो ये इंशाल्लाह आई विल टेल यू गाइस कि कतर की लाइफ कैसी है, कतर की टीचर्स की लाइफ कैसी है, यहाँ के जो वुमेन्स है, लेडीज है, फैमिलीज है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ की सेफ्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सामने देखिए ये ट्रेन है जो ट्राम जा रही है। हाँ, बताइए आप इसके बारे में। ये एजुकेशन सिटी के अंदर ही होती है। अच्छा, और ये इधर के जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले टीचर्स बच्चे, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, इसमें कोई भी जा सकता है कि खाली स्टूडेंट या टीचर के लिए होती है? मोस्टली ये तो उसमें कोई भी जा सकता है, जो भी यहाँ जी जी। अच्छा, यहाँ पे विजिटर कोई भी किसी भी कंट्री से आके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं एजुकेशन सिटी? हाँ जी, आ सकते हैं यहाँ, देख सकते हैं। और आप बताइए यहाँ पे अंदर क्या क्या है? यहाँ पे बहुत तरह की डिफरेंट तरह के यूनिवर्सिटीज हैं। अच्छा, और सेकंड थिंग है, यहाँ बहुत तरह के कॉलेजेस है, जो बाहर नहीं जाना चाहता अपने फैमिली को छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ कर, वो यहाँ पे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमने ये देखा है कि बाहर से भी बहुत से लोग यहाँ पढ़ने आए हुए हैं, अमेरिकन भी हैं, इंडिया के भी हैं, यूरोपियन भी हैं, और अफ्रीकन भी नेशनलिटी के लोग हम यहाँ पे आते हैं कभी काम से, तो यहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पे पूरी दुनिया से यानी लोग अभी आ रहे हैं पढ़ाई करने, पूरी दुनिया से लोग हैं यहाँ पर, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट कंट्री के लोग हैं, आप देख सकते हो, इंडियंस भी बहुत सारे, पाकिस्तानी हैं, यूरोपियंस हैं, अमेरिकन हैं, हर तरह के लोग आपको यहाँ मिलेंगे, इवन तो टीचर्स आपको मिलेंगे। अच्छा,
तो भाई हम लोग चल के कहीं रुकते हैं और वहाँ अच्छे से आप लोग को बताते हैं कि ज्योति मैम कब से यहाँ पे हैं और इनकी जॉब कैसे लगी और ये आप लोग को गाइड भी करेंगी जो लोग यहाँ लड़कियाँ आना चाहती हैं अपने इंडिया से और जो लोग के घर वाले मतलब थोड़ा भेजने के लिए हिचकिचाते हैं तो ये अपनी तरफ से उनको एडवाइस देंगी और बताएंगी यहाँ का माहौल कैसा है और सब जेन्युइन रहेगा। अभी हम लोग ने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है इसमें, बस मैं आके मिला हूँ इनसे, यहाँ मिलने की बात थी बस। और देख लो क्योंकि इनके लुक से पता चल रहा होगा आपको कि कुछ भी वो नहीं है। नहीं, हमारा मेन पर्पस जब मेरी इनसे बात हुई थी मिलने की, मेरा मेन पर्पस यही था कि मैं जिस फील्ड में हूँ उस टॉपिक पे हम बात करें तो मैं आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज दे सकती हूँ। तो लेट्स सी, और एक लेडी होने के हिसाब से मैं चाहती हूँ कि हमारे जो इंडिया के छोटे स्टेट से जो लोग लड़की आती है उनकी फैमिली उनको कैसे मतलब सही सलामत अपने बच्चों को कतर भेजे काम करने के लिए, तो इस टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब आगे। तो दोस्तों इस समय हम एक जगह पे रुके हैं जहाँ पे काफ़ी साइलेंट भी है, तो मैंने सोचा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो ज्योति मैम आप ये बताइए आप कहाँ से पहले? तो मैं मुंबई से हूँ इंडिया। अच्छा, और कतर में हूँ काम कर रही हूँ एज टीचर। तो ये टीचर है तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया क्योंकि बहुत सी लड़कियां हमसे पूछ रही थी कि अगर वहाँ पे लड़कियां जॉब करने आए तो कैसे आए, क्योंकि इंडियन से बात करिए तो ये मुंबई से हैं तो ये आपको बताएंगी। तो आपको कितने साल हो गए कतर में? जी 10 साल। 10 साल हो गए। 10 साल और ये टीचिंग में मतलब करते हैं? मैं जब आई थी कतर विद इन 3 मंथ्स मुझे टीचिंग की जॉब मिल गई थी। मिल गई थी? अच्छा, काफ़ी लकी थी आप। काफ़ी लकी थी मैं। तो फैमिली वीजे पे आई थी कि अपना जॉब पे हूँ मैं तो उस हिसाब से कतर में मेन ये पर्पस होता है ना कि अगर आपके पास यहाँ की आईडी हो तो वो आपको जल्दी जॉब मिल जाती है, चांसेस ज़्यादा होती है जॉब की। तो ये बताइए आप जब यहाँ पे जॉब आपने ढूंढी तो कितनी जगह इंटरव्यू दिया था और कितनी जगह आपने अप्लाई किया था और किस किस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था? जो हो सके ऑलमोस्ट, जब मुझे इतना नॉलेज नहीं था कतर के एज मैं इंडियन हूँ तो मैंने कोशिश की थी कि मैं हर इंडियन स्कूल में अपना रिज्यूमे डालूँ, तो मैंने ऑलमोस्ट सब जगह डाला था और मुझे उसी वीक 3-4 इंटरव्यू हुआ है और मैं सब जगह सेलेक्ट हो गई थी। अच्छा, सब जगह? हाँ, सब जगह सेलेक्ट हो गई थी, बट मैंने चूज किया कि कौन सा और मेरे लिए बेस्ट है तो मैंने वहाँ पर अपनी जॉब स्टार्ट की। जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है। अच्छा, इंडिया का बहुत फेमस स्कूल है। अच्छा, हर जगह हर स्टेट में ये जी, स्कूल जी, है। दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरे यहाँ पे कानपुर में भी जी है। तो ये स्कूल में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। मेरा फर्स्ट जॉब, मेरी लाइफ का फर्स्ट जॉब कतर ही है। अच्छा, कतर में ही स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, तो देखिए अभी इंडियन स्कूल में भी है, कतर में इंडियन स्कूल है और वहीं पर जॉब करती है। तो आपने ये ऑनलाइन किया था या किसी के थ्रू आपने मतलब? नहीं, मैंने खुद से किया था, कोई रेफरेंस नहीं था, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती थी। अच्छा अच्छा, मैंने अपना करियर खुद स्टार्ट किया, खुद अप्लाई किया और अपने बलबूते पे मुझे मेरी जॉब मिली है। अच्छा जी, तो अभी आप यहाँ पे क्या करने आई थी? जो कहते हैं लाइब्रेरी में कुछ बुक देखने आई थी? देखने आई थी और मतलब अभी तो स्कूल बंद है तो यही मेरा टाइम पास है, लाइक आई एम डूइंग माई टाइम पास बाय रीडिंग बुक्स। तो आप ये बताइए कि आपको जब जॉब मिली है तो आपका पैकेज क्या था, मतलब कितनी सैलरी पे आपने? तभी तो मेरा स्टार्टिंग ऑलमोस्ट यहाँ का 4,500 रियाल था। अच्छा, मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ 4-4.5 होता है। हाँ, अगर बहुत अच्छी स्कूल है तो, जैसे आप नीचे कोई और इंडियन स्कूल देखते हैं जिनकी बच्चों की फ़ीस कम है, जो पेरेंट्स अफोर्ड कर पाते अपने बच्चों की फ़ीस और जो टीचर्स आते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने यहाँ पर, उनके लिए छोटा भी पैकेज है, लाइक 3,500-4,000 से उनका स्टार्ट होता है। बट एक प्लस पॉइंट है कि एक चाइल्ड फ्री एजुकेशन होता है जो उसका हेडेक आपको नहीं होता। अच्छा, अगर आप टीचर हैं यहाँ पे तो अगर आपके एक बेबी है तो उसकी फ्री एजुकेशन उसी स्कूल में? एक बच्चे का चाइल्ड एजुकेशन फ्री था मेरे बच्चे के लिए। अच्छा, और दूसरे स्कूल्स में भी सेम है। अच्छा, तो ये बताइए आपकी जो 4,500 रियाल में आपकी जॉब लगी, तो ट्रांसपोर्ट आपका था और जो रहने का था वो कंपनी का था कि वो भी आपका ही जी था? देखा जाए तो जैसे अब मैं अपने फैमिली वीजा पे हूँ तो इट्स नॉट अलाउड, आइदर हस्बैंड और वाइफ विल गेट अकोमोडेशन। ओके, मेरे स्कूल तो प्रोवाइड करती है जिनका वीजा हो, अगर हस्बैंड को नहीं मिल रहा है, पेपर पे नहीं मिल रहा है तो दे विल गिव मी अकोमोडेशन। ट्रांसपोर्ट तो फ्री था। अच्छा, ट्रांसपोर्ट फ्री था जी। अच्छा, तो अगर यहाँ पे जैसे कि कोई लड़की है आपकी टीचर होंगी फ्रेंड जो वहाँ रहती होंगी, अगर सैलरी 4-5 हज़ार पे उनकी जॉब लगी तो महीने में कितना उनका खर्चा आ जाता है, कितना बचा लेते हैं? अब लड़की उनके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-1,500 खाने पीने का लग जाता है। अच्छा, बस ग्रोसरी का लग जाता है, डिपेंड्स कि उनको शॉपिंग पसंद है क्या पसंद। हाँ, ये तो है, वो उन पे डिपेंड है। बाकी चीज़ें तो आप आराम से 50-60 हज़ार रुपये इंडिया के सेव कर सकते हो हर महीने। चलिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी और अगर आप नर्सरी के स्कूल में या उससे बड़े स्कूल में तो क्वालिफिकेशन की यहाँ पे क्या क्या डिमांड होती है? जैसे आप कर रहे हो मॉन्टेसरी जी,
तो ये मिनिमम सबसे कम वाला डिग्री है जो होना ज़रूरी है अगर आपको टीचिंग लाइफ चालू करनी है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना है. एक सपोर्ट होता है टीचर का अपने फैमिली के लिए, वो बहुत ज़रूरी है. तो वो होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको एज अ टीचर वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे. फिर उसके बाद एसोसिएट होता है, बीएड होता है, ये सारी चीज़ें होती है. फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, पीएचडी होती है. ये सारी डिग्रीज होना ज़रूरी है एज अ टीचर. अच्छा, कि अगर सैलरी आप बताना चाहें तो आप 4,500 शुरू करें, अभी कितनी है? अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जैसे ये इंटरनेशनल बोर्ड होता है जी, ये यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी है. यहाँ पे आप आपकी लाइफ करियर स्टार्ट करना है 7,000 से 6,000 से आप अपनी सैलरी स्टार्ट कर सकते हो. दे अगर आप आ रहे हो बाहर से तो उन लोग के पास अकोमोडेशन है, बहुत अच्छा अकोमोडेशन है, जैसे आप सोच नहीं सकते, बहुत अच्छा है. और ट्रांसपोर्ट है, आपको एवरी 2 ईयर्स में आपको फ्लाइट टिकट्स है, आपके मेडिकल है, ये सारे आपको फ्री. अच्छा, आपने सैलरी नहीं बताई अपनी. मैं प्राइवेट रखना चाहती हूँ, बट मैं बता सकती हूँ, हाँ 7,500-8,000 के बीच में. जी, जो इंडिया में लड़कियां हैं और वो अगर गल्फ कतर आना चाहती हैं तो वो किस तरह से वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या कैसे वो अप्लाई कर सकती हैं? जिससे हो जाए, इसी तरीका बताती हूँ. आप उनके वेबसाइट पे जाइए, एक पर्टिकुलर स्कूल जो आप सोच रहे हो वो उसके वेबसाइट पे जाइए, उसकी करियर्स ओपन कीजिए और वहाँ पे अपना एप्लीकेशन डालिए. 100% जब इंडिया में इंटरव्यूज होते हैं अलग अलग स्टेट में, वहाँ पे आपको कॉल्स आती है और आपके इंटरव्यूज वहाँ होते हैं. अच्छा, तो कुछ ऐसे साइट या नाम बता सकती हैं स्कूल का जो यहाँ पे हैं आप? जैसे आप इंडियन स्कूल में ट्राई करें, यहाँ पे बिरला स्कूल है, भवंस है, अच्छा दिल्ली पब्लिक स्कूल है, दिल्ली मोनार्क है, तो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो इंडिया में है और यहाँ पे भी है, राजगिरी है. अच्छा, तो ये बहुत फेमस स्कूल्स यहाँ पे है, आप ट्राई कीजिए. वेबसाइट पे ओलिव स्कूल, ओलिव इंटरनेशनल है, तो ये सारे स्कूल इंडिया में आपके इंटरव्यूज लेते हैं और आपको सेलेक्ट करके वीज़ा, ट्रैवलिंग, एवरीथिंग. अच्छा, वो आपको प्रोवाइड करते हैं. तो मैक्सिमम सैलरी कब से स्टार्ट होती होगी जो इंडिया से यहाँ पे आते होंगे? जिस दिन आप आते हो, जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है, नॉर्मल सैलरी जी, आप जहाँ जिस दिन आप कतर लैंड करते हो उस दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है. अच्छा, कितनी रहती है नॉर्मली? आप डिपेंड्स, अभी स्कूल का लेवल जो है, कम से कम बताइए. कम से कम मैं बताना चाहती हूँ 3,800 से लेके 6,000-7,000 तक भी इंडियन स्कूल की सैलरीज जाती है. 8,000 तक भी जाती है अगर आप हायर ग्रेड को एज अ प्रोफेशन, एज अ प्रोफेसर. अच्छा, आप पढ़ाते हो. अच्छा, लेडीज़ के, लड़कियों के लिए यहाँ पे क्या है, सेफ्टी क्या है? मतलब लेडीज़ के लिए बहुत सेफ्टी है और हर जगह लेडीज़ की रिस्पेक्ट होती है, केयर होती है. जैसे कहीं भी चले जाओ, कहीं मॉल चले जाओ, कहीं क्यू हो गई, लेडीज़ को बहुत सेफ्टी है, फर्स्ट प्रेफरेंस है लेडीज़. अच्छा, बहुत रिस्पेक्ट. अच्छा, एक हाई लेवल का रिस्पेक्ट है लेडीज़ के लिए. अच्छा, तो आप जो लड़कियां यहां आना चाहती हैं और जिनके मम्मी पापा अगर ये वीडियो देखें, आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी लड़की को भेजें? मम्मी पापा को यही बोलना चाहती हूँ, आपकी बच्ची जब आ रही है यहाँ पर वो बहुत सेफ है. बस इतना ही है कि आप जो भी कंपनी से आपके बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, भले वो लड़का हो या लड़की हो जी, प्लीज़ अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक कर ले, अपनी कंपनी चेक कर ले और फिर आइए. मैं नहीं चाहती कि कोई एजेंट के थ्रू आपके बच्चे फंसे, बट इट्स वेरी सेफ कंट्री. अगर अच्छी जॉब मिल रही है, कतर से बेस्ट जगह कहीं नहीं है. अच्छा, ऑनलाइन तो आजकल सब चेक हो जाता है, कंपनी, स्कूल, कॉलेज, अगर कुछ डाउट भी है तो एम्बेसी में. एजुकेटेड लोगों की बात ही नहीं करी यहाँ पे, ऐसे लोगों की बात करी जो छोटे जॉब्स पे आते हैं और उनको तकलीफ होती है. अच्छा, हालांकि लोग यहाँ पे ऐसे नहीं है. अच्छा, पर कुछ पैसे कमाने के लिए लोग उनको बेवकूफ बनाते हैं. अच्छा, तो इस चीज को चेक कीजिए बस. अच्छा, तो आप ये बताइए उन लड़कियों से क्या कहना चाहती हैं, अगर वो आ रही हैं तो क्या क्या मतलब प्रिपेयर होकर आना चाहिए और यहाँ पे कैसा मतलब स्ट्रगल, देखो हर जगह करना पड़ता है, अकेले कभी अच्छा भी नहीं लगता है. तो ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि माइंड क्या सेट होना चाहिए और कैसे वो ऊपर जा सकती हैं और कितना टाइम लगेगा यहाँ पे. जो जॉब करने के लिए आ रही है उनको एक साल बहुत फील होगा, अपनी फैमिली को मिस करेंगे. जैसे हालांकि मैंने 3 साल मिस किया अपनी फैमिली को, बट अभी मुझे कतर छोड़ के जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता. कतर बहुत सेफ़ है और जब यहाँ आते हो तो माइंड बना के आओ, आप कमाने आए हो. अच्छा, आगे बढ़ने आए हो, आप कमाओ, आगे बढ़ो, लाइफ बनाओ. मैं चाहती हूँ हमारे हर इंडिया की लड़कियाँ जो आ रही है इंटरनेशनल, कतर नहीं कोई भी इंटरनेशनल कंट्री जा रही है, आगे बढ़ो. अच्छा, तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे रोकेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और हम जानते हैं कि अभी मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो डायरेक्ट बात करी थी, इसमें कुछ भी हमें भी नहीं पता ना, मैंने पहले पूछा है. तो ये ओरिजिनल 100% जेन्युइन वीडियो है. तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो को शेयर करिए.
तो दोस्तों चलिए चलते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, आपसे बात हुई और आपने इन्फॉर्मेशन दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू। जो भी लड़कियाँ यहाँ पे आना चाहती हूँ वो ज्योति मैम को देख के समझ सकती, इनको 10 साल हो गए, उन्होंने खुल के बात करी है और हमने हर तरह की बात इस वीडियो में करी है।